तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 4 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके इसी पार्ट में पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग मेरा लेक्चर देखते हो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप लोग पूरा लेक्चर अटेंड करते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। मैं केवल उसी को करा रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट का बैक ना आए। जिन लोगों का बार बार बैक आता है मैथ में, या फिर मैथ में डर लग रहा है कहीं मेरा बैक ना जाए, तो उसके पास इस लेक्चर को भेजिए, मैक्सिमम शेयर करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ट लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको चूज करके उसी टॉपिक को, उसी क्वेश्चन को, उसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो लोग को नोट्स चाहिए यूनिट 4 का, तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो सभी लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइए और सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज दी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि जो भी इंटीग्रेशन दिया गया है, यानी कि जो भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया है उसके ऑर्डर को चेंज कर देना, यानी कि लिमिट के ऑर्डर को चेंज कर देना, उसे बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट के ऑर्डर को, जो भी यहाँ पे लिमिट है इसके ऑर्डर को चेंज कर देना। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे x लिमिट ऑफ वेरिएबल है तो इसको आप कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि अगर यहाँ पे x लिमिट ऑफ वेरिएबल है तो उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दोगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको लिमिट ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे, तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि लिमिट के ऑर्डर को चेंज कर देना। अब यहाँ देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसका यूज क्यों किया जाता है, तो आप नोट करके लिखेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका वर्किंग कैसे होता है, कैसे आप सॉल्व करोगे। तो स्टेप नंबर पहला, जो भी यहाँ पे लिमिट दिया गया है इंटीग्रेशन का, तो उसकी सहायता से आप सबसे पहले एक रीजन को ड्रा करोगे। ठीक, जो भी आपका लिमिट दिया गया है इंटीग्रेशन का उसकी सहायता से आप एक रीजन को ड्रा करोगे। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि आप चेक करोगे जो भी यहाँ पे आपने रीजन को ड्रा किया, या फिर जो भी आपका लिमिट ऑफ वेरिएबल दिया गया है आपके क्वेश्चन में, उसकी सहायता से आप चेक करोगे कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप दिया गया है आपके क्वेश्चन में, कौन सा स्ट्रिप दिया गया है, यानी कि हॉरिजेंटल दिया गया है या फिर वर्टिकल दिया गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में हॉरिजेंटल स्ट्रिप दिया गया होगा तो आपको एक नया स्ट्रिप, यानी कि आपको न्यू वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करना होगा या फिर टेक करना होगा, लेना होगा। अब यहाँ देखिए अगर वर्टिकल स्ट्रिप दिया गया है तो आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप लोगे, अगर यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप दिया गया है तो आप वर्टिकल लोगे, अगर वर्टिकल दिया गया है तो आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप लोगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में चेंज दी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद उसके ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे अकॉर्डिंग टू दी न्यू स्ट्रिप। अब यहाँ देखिए आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया लिमिट हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है, देखिए यह आपका क्या है डबल इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे y का टर्म दिया गया है y से y स्क्वायर, तो आप यहाँ जान जाएंगे कि यहाँ पे y का टर्म दिया गया है, यानी कि यहाँ पे x लिमिट ऑफ वेरिएबल है, ये आप जानना है। अगर यहाँ पे x का टर्म दिया गया है x से x स्क्वायर, यानी यहाँ पे y का लिमिट ऑफ वेरिएबल है, तो आप नोट करके लिखोगे सबसे पहला पॉइंट नोट करके, अगर y लिमिट ऑफ वेरिएबल है, y लिमिट ऑफ वेरिएबल है तो जो आपका स्ट्रिप है वो वर्टिकल होगा। अगर x लिमिट ऑफ वेरिएबल है, x लिमिट ऑफ वेरिएबल है तो जो आपका स्ट्रिप होगा वो होगा हॉरिजेंटल, यानी कि इस प्रकार से।
ये आपका हो गया हॉरिजेंटल स्ट्रिप और ये आपका हो गया वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन को। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है और यहाँ पे लिमिट दिया गया है 0 से 1 और यहाँ पे x स्क्वायर से लेकर के 2 - x तक, एक्स वाई डेल वाई डेल एक्स एंड हेंस इवेल्युएट द सेम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से सभी लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का टर्म दिया गया है, यानी कि ये आपका हो जाएगा वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल। और जब यहाँ पे वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल होगा, यानी कि आपके क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप दिया गया है, इस प्रकार से वर्टिकल स्ट्रिप दिया गया है, तो ये आपका हो गया वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा x लिमिट ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है ये स्ट्रिप, ये क्या है, ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप है, यानी कि यहाँ पे ये चीज गिवन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर से लेकर के 2 - x तक, यानी कि आपका हो गया y लिमिट ऑफ वेरिएबल। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर, देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए y इक्वल टू 2 - x, y इक्वल टू 2 - x। तो पार्ट वन लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि y इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि यह आपको क्या है, पैराबोला है। अब यहाँ देखिए, तो यह आपका हो गया y लिमिट ऑफ वेरिएबल, तो इधर आपका होगा x लिमिट ऑफ वेरिएबल, यानी कि इधर x का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। देखिए x का वैल्यू 0 होगा यानी कि y एक्सिस पे, x का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया गया है, यानी कि जो भी आपका लाइन है वो है y एक्सिस के पैरेलल। देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे 1, जब यहाँ पे इधर x का टर्म दिया गया है, यानी कि इधर y लिमिट ऑफ वेरिएबल होगा, तो इधर आपका होगा x लिमिट ऑफ वेरिएबल। तो जो भी आपका लिमिट है उसके बराबर आप यहाँ पे मानेंगे, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 1 होगा। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप उसके लिमिट को लिखोगे, लिमिट को लिखने के बाद आप रीजन को ड्रा करोगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपने क्या किया, जो भी यहाँ पे इंटीग्रल का लिमिट है उसको आपने यहाँ लिखा, और लिखने के बाद आप यहाँ पे उसके रीजन को ड्रा करोगे। देखिए यहाँ पे जी दिया गया y इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि ये आपका पैराबोला होगा इस साइड में, तो यहाँ पे ड्रा हो गया y इक्वल टू 2 - x, y इक्वल टू 2 - x। तो आप जान रहे हो ये क्या है, एक लाइन है, तो इधर देखिए यहाँ पे लाइन आ गया और ये आपका हो गया y इक्वल टू 2 - x, y इक्वल टू 2 - x। देखिए ध्यान से, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू 2 - x है। अब आप इसको लिखोगे एक टेबल बना करके, इधर x इधर y, तो एक बार आप यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक बार 0, 2 और यहाँ पे 2, 0। देखिए जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रा किया इस टाइप से, तो जो आपका ऊपर वाला है यहाँ हो जाएगा वाई, यानी वाई क्या होगा, 0 - 2, 0, 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 0, 2, और इधर आपका नीचे होगा, यहाँ देखिए यहाँ 2, 0, यहाँ देखिए 0, 2, यहाँ 0, 2 हो गया। ये जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट ये वाला 0, 2 इधर, और इधर आपका हो जाएगा 2, 0। देखिए अब उसके बाद x इक्वल टू 0, ये आपका, यानी कि y एक्सिस पे आपका होगा x इक्वल टू 0, यानी ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0। उसके बाद x इक्वल टू 1, ये क्या है, ये आपका लाइन है, ये पैरेलल लाइन टू दी y एक्सिस, यानी कि ये आपका हो जाएगा y एक्सिस। तो ये आपका हो जाएगा 1, 0 इधर। अब यहाँ देखिए सभी लोग ध्यान से, अब जो आपने यहाँ पे ड्रा किया ये चीज कर्व पैराबोला, तो आपने यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रिप होगा ये वाला, तो ये आपको क्या है, ये आपका गिवन है, यानी कि आपको यहाँ पे 2 स्ट्रिप और लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक इस साइड से ऊपर और यहाँ पे एक नीचे,
देखिए ये आपका गिवन है ये चीज, तो आप एक बार स्कूल हो गए और उसके बाद एक बार स्कूल हो गए, ठीक। अब यहाँ देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पर लाइन ड्रा किया तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, तो सबसे पहले इसके पॉइंट को आप फाइंड करोगे। कैसे होगा देखिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स, इसकी सहायता से आप एक्स का वैल्यू और उसके बाद वाई का वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करोगे। तो देखिए ये आपका हो गया टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ जो वाई का वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया वन, जब यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन होगा यानी कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, जब यहाँ पे एक्स का वन होगा वैल्यू तो वाई का भी वैल्यू यहाँ पे वन होगा, तो आपका यहाँ पे पॉइंट निकल गया यहाँ पे ये वाला पॉइंट वन कामा वन। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला स्टेप था कि जो भी आपका यहाँ पे स्टेप दिया गया है, अगर यहाँ पे हॉरिजेंटल दिया गया है तो आप वर्टिकल लोगे, वर्टिकल दिया गया है तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल लोगे, तो क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप दिया गया है तो आपने क्या किया यहाँ पे दो हॉरिजेंटल स्ट्रिप लिया। अब देखिए ये आपका है लोअर रीजन, जो आपका नीचे वाला स्ट्रिप है ये आपका लोअर रीजन है, और जो आपका ऊपर वाला स्ट्रिप है ये आपका अपर रीजन है। अब यहाँ देखिए लोअर रीजन में यक्स का वैल्यू कितना है, यक्स का वैल्यू नीचे से आप देखेंगे यक्स का वैल्यू जीरो से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जीरो से जा रहा है वाई इक्वल टू यक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से कहाँ पर हो रहा है टच, जो आपका नीचे वाला स्ट्रिप है इस पैराबोला पे, इस कर्व पे यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है वाई इक्वल टू यक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करना है यक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो यक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो यक्स का वैल्यू क्या गया जीरो से यक्स का वैल्यू अंडर रूट तक, यानी कि जीरो से अंडर रूट तक। देखिए ये आपका वैल्यू आ गया जीरो से अंडर रूट तक। अब यहाँ देखिए वाई का वैल्यू जीरो से वन, देखिए यहाँ पे जो वाई का वैल्यू है ये देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो जीरो से वन, जीरो से वन ये आपका हो गया जीरो से वन, ये आपका वैल्यू हो गया जीरो से वन वाई का, तो ये आपको हो गया लोअर रीजन का, ये आपको हो गया लोअर रीजन का, वाई का वैल्यू कितना हो गया जीरो से वन तक, ये आपका जीरो से वन तक, ठीक। अगर आपका नीचे जीरो है ऊपर आपको वन है तो वाई का वैल्यू हो गया जीरो से वन तक, तो ये आपको हो गया लोअर रीजन का। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इधर आपका है ऊपर वाला अपर रीजन, यहाँ पे दो रीजन है, एक लोअर है एक यहाँ पे अपर है। अब यहाँ ध्यान से लोग देखिए, ऊपर वाला आपका है अपर रीजन, अपर रीजन में सबसे पहले आप निकालेंगे यक्स का वैल्यू, देखिए यक्स का वैल्यू आएगा जीरो से टू माइनस वाई, तो इधर आपको हो गया जीरो इधर से, और कहाँ पर टच हो रहा है ध्यान से देखिए, इस लाइन पर टच हो रहा है, इस लाइन पर आपका यहाँ पर टच हो रहा है, तो यक्स का वैल्यू हो गया जीरो। अब यहाँ देखिए इस लाइन का वैल्यू कितना है टू माइनस यक्स, वाई इक्वल टू टू माइनस यक्स, तो आप निकालेंगे यक्स का वैल्यू तो हो जाएगा वाई माइनस टू, यहाँ देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पे यक्स इक्वल टू टू माइनस वाई। सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ जो अपर वाला रीजन है यहाँ पे टच हो रहा है इस लाइन पे, इस लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे वाई का वैल्यू दिया गया है वाई इक्वल टू टू माइनस यक्स, तो वाई माइनस टू इधर हो जाएगा माइनस में, इधर आपका माइनस यक्स होगा, तो यक्स इक्वल टू टू माइनस वाई होगा, तो आप लिखेंगे यक्स का वैल्यू जीरो से कितना हो जाएगा टू माइनस वाई, देखिए जीरो से टू माइनस वाई। अब यहाँ सभी लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू वन से टू होगा, वन से टू होगा, देखिए वन से टू होगा, वाई का वैल्यू वन से टू होगा, ठीक। तो अभी आपने यहाँ पे पता चल गया लोअर रीजन का और यहाँ पे अपर रीजन का। अब यहाँ देखिए, अब सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है इसमें आपको ऑर्डर को चेंज करना है, इधर आपको क्या है वाई, आप वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या होगा यक्स, आप यक्स लिमिट ऑफ वेरिएबल होगा, तो इसका सेम उल्टा इधर आपका हो जाएगा वाई और इधर आपका होगा यक्स, इधर आपका होगा वाई और इधर आपका होगा यक्स, यानी कि इधर आप जो है यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे और इधर आपको जो आपका यहाँ पे आउटर इंटीग्रल है इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे
जो वाई वाला टर्म है इसको आप जाएंगे लेकर के आगे, और इधर आपका होगा इंटरनल में यक्स, फिर यहाँ भी वाई यक्स। अब देखिए जो आपका रीजन था ये वाला लोअर रीजन और यहाँ पेपर रीजन, वही चीज़ यहाँ दिया गया है। यक्स का वैल्यू कितना था, 0 से 1। वाई का देखिए, वाई का वैल्यू कितना था, लिमिट 0 से 1। तो इधर आपने क्या लिखा, 0 से 1, 0 से 1। और इधर आपको हो गया यक्स का लिमिट 0 से अंडर रूट वाई। देखिए 0 से अंडर रूट वाई। उसी प्रकार से यहाँ भी 1 से 2, क्योंकि ये आपको क्या है, वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल है, तो इधर आपको होगा यक्स लिमिट ऑफ वेरिएबल। तो इधर आप क्या हो गया, सेम चीज़, इसका सेम उल्टा होता है, जो आपका लिमिट होता है। ये किसका वैल्यू है, ये वाई का है, और ये आपका यक्स का है, फिर ये आपका वाई का है, और ये आपका है यक्स का। देखिए यक्स का वैल्यू कितना है, 0 से 2 माइनस वाई, फिर यहाँ पे वाई का 1 से 2 तक, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है 1 से 2 तक, फिर यहाँ पे 0 से 2 माइनस वाई। आप सभी लोग ध्यान से इसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई वाला आ जाएगा इधर और एक्स वाला इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई टू। ये देखिए लिमिट आपका हो जाएगा 0 से अंडर रूट वाई तक। फिर इधर भी वाई वाला आप लेके आएंगे बाहर, बाहर क्यों लेके आया आपने, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल होगा इंटरनल में, तो आपका यहाँ पे सेम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर यक्स होगा और इधर वाई होगा, इधर यक्स होगा इधर वाई होगा, तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है। देखिए ये आपका हो गया, फिर यहाँ देखिए इसने आपने यहाँ पुट किया एक बार यक्स के स्थान पे अंडर रूट वाई, फिर एक बार माइनस, फिर यहाँ पर लोअर जीरो, मतलब जो आपका जीरो है नीचे वाला पार्ट लोअर रीजन वाला, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए यक्स के स्थान पे अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, देखिए वाई बाई टू। और यक्स स्क्वायर के स्थान पर अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो हो जाएगा जीरो माइनस में। ठीक, डबल इंटीग्रल सभी लोग पार्ट वन लेक्चर में देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। देखिए फिर यहाँ देखिए इसी प्रकार से ये भी आपको हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1/2 यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा वाई, तो वाई वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे सभी का लिमिट आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट करने के बाद आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/8, 3/8, और आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे लिमिट दिया गया है, लिमिट जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, लिखने के बाद आप यहाँ पे इस रीजन को ड्रा करोगे, रीजन को ड्रा करने के बाद आप पहचानोगे यहाँ पे सबसे पहले कौन सा स्ट्रिप दिया गया है, उसके हिसाब से आप लोअर रीजन का उसके बाद अपर रीजन का इन दोनों का वैल्यू फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद इनके आर्डर को आप यहाँ पे चेंज कर दोगे। मैंने क्या बताया था, डबल इंटीग्रल डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ क्या होता है, इधर आपका सबसे पहले पहचानेंगे इधर यक्स है यानी कि वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल, इधर क्या होगा था यक्स होगा, यानी कि इसका सेम उल्टा हो जाएगा इस साइड में, इस साइड में उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, यानी कि आप क्या है वाई है इधर आपका यक्स है, तो इसका सेम उल्टा इधर हो जाएगा वाई और इधर हो जाएगा यक्स, इधर हो जाएगा वाई और इधर हो जाएगा यक्स, इसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, दिस इज द गिवन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द ऑलरेडी आस्क इन योर प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब देखिए सभी लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यक्स है, यानी कि यह आपका होगा वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल, तो इधर आपका हो जाएगा यक्स। तो जब यहाँ पे वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल दिया गया है, यानी कि जो आपका गिवन स्ट्रिप है वो है वर्टिकल, तो आपको नया स्ट्रिप लेना पड़ेगा हॉरिजेंटल में, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप दिया गया है। अब देखिए सभी लोग ध्यान से, आपको यहाँ पता चल गया कि ये आपको क्या है वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल, ये वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वाई का वैल्यू हो जाएगा यक्स, यहाँ वाई का वाई इक्वल टू अंडर रूट में 2 माइनस यक्स स्क्वायर। देखिए उसके बाद देखिए वाई इक्वल टू अंडर रूट में 2 माइनस यक्स स्क्वायर, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो 2 माइनस यक्स हो गया, 2 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यक्स स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर यक्स स्क्वायर माइनस में है, ये जाएगा उधर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, यक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, ये आपका इक्वेशन होता है। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो टू के स्थान पे आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट टू का स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो गया इक्वेशन एक सर्किल का, सर्कल। यानी कि आप स्टेप नंबर टू में क्या करोगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे, यहाँ पे एक सर्कल को ड्रा करोगे, ठीक। अभी आपका एक लिमिट और बाकी है यक्स का, देखिए यक्स का, यक्स इक्वल टू जीरो यानी कि वाई एक्सिस, यक्स इक्वल टू वन, यहाँ देखिए वन, यानी कि ए लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। यानी कि आप सभी लोग ध्यान से फटाफट जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है उसकी सहायता से आप यहाँ पे सभी रीजन को ड्रा करोगे। वाई इक्वल टू यक्स, सबसे पहले आप यहाँ पे एक सर्कल को ड्रा करोगे, यहाँ देखिए एक सर्कल यहाँ पे फटाफट ड्रा हो जाएगी। वाई इक्वल टू यक्स यानी कि एक लाइन है, आप जाएंगे इधर लेकर के वाई इक्वल टू यक्स। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल दिया गया है, वर्टिकल स्ट्रिप दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे दो हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, तो आपका हो गया दो यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप। उसके बाद वाई इक्वल टू यक्स हो गया, एक लाइन ड्रा। उसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, यानी कि यहाँ एक सर्कल भी ड्रा हो गई, देखिए यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रा हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए यक्स इक्वल टू जीरो यानी कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए यह आपको हो गया यक्स इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखिए यक्स इक्वल टू वन, यानी कि जब यहाँ पे यक्स इक्वल टू वन है यानी कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइन, देखिए यहाँ पर हो गया वन। अब सभी लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ ये वाला पॉइंट, इसके वैल्यू, इस जो पॉइंट दिया गया है इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों की सहायता से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो वाई का वैल्यू दिया गया यक्स, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, तो यक्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा टू यक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, तो टू से टू कैंसिल, यक्स इक्वल टू वन, और यहाँ पे यक्स इक्वल टू माइनस वन भी आएगा जो कि हमें नहीं लेना है। तो जब यहाँ पे यक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो वाई का वैल्यू भी यहाँ पे वन ही होगा। तो देखिए इन दोनों का पॉइंट का वैल्यू आ गया वन कामा वन, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर जो आपको दिया गया है जीरो कामा अंडर रूट टू यहाँ पे, और नीचे आपको दिया गया है अंडर रूट टू कामा जीरो, कैसे आया, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या दिया गया है, आप जानते हो कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू दिया गया है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे टू के स्थान पे अंडर टू लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा रेडियस का वैल्यू अंडर टू। तो देखिए यहाँ पे इधर आपका है यक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा अंडर टू कामा जीरो, ऊपर आप जाएंगे तो आपका हो जाएगा वाई एक्सिस यानी कि जीरो कामा अंडर टू, ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब देखिए सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे आप लेंगे दो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप जाएंगे लोअर रीजन में यक्स इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब आप जीरो से लेकर के वाई तक, लोअर रीजन में आप जाएंगे जीरो से वाई। देखिए यहाँ पे ये यह आपका क्या है लोअर रीजन, यहाँ क्या है यक्स का वैल्यू जीरो है, ये कहाँ पर टच हो रहा है, एक लाइन पे, लाइन का वैल्यू कितना है वाई इक्वल टू यक्स, यानी कि यक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई, यहाँ पे यक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो से लेकर के वाई तक। तो यहाँ पे देखिए लोअर रीजन में आपके यहाँ पे आ गया जीरो से वाई, उसके बाद वाई का वैल्यू कितना है जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से वन, देखिए इधर आपको दिया गया जीरो से वन, ये देखिए जीरो से वन, आपको ये वाला पॉइंट कितना है जीरो से वन, तो ये आपको हो गया जीरो से वन। अब देखिए अपर वाले रीजन में, अपर वाले रीजन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे यक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ये चीज आ गया ये वाला जीरो से, देखिए यहाँ पे ये वाला, तो जीरो से कितना है ये हो रहा है टच किस पे, सर्किल पे, तो यहाँ पे सर्किल का वैल्यू कितना है यक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे अंडर टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको हो गया टू हो गया माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है जीरो से, फिर यहाँ पे अंडर रूट में
टू माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद यक्स का वैल्यू कितना है, वन से लेकर के अंडर रूट टू तक। देखिए ये आपका है अपर रीजन, अपर रीजन में हो जाएगा आपका वन से, फिर यहां देखिए वन से, फिर यहां पे अंडर रूट टू। देखिए वन से अंडर रूट टू तक यहां पे आ जाएगा अपर रीजन में। ध्यान से देखिए यहां जो दिया गया है अपर रीजन में वन से अंडर रूट टू तक, ये वाला पार्ट, इसमें वन से इधर जाएंगे आप तो हो जाएगा वन से अंडर रूट टू, वन से अंडर रूट टू तक। तो आपके सामने यहां पे लोअर रीजन का और यहां पे अपर रीजन का लिमिट आ गया। देखिए अब यहां पे लोअर रीजन और यहां पे अपर रीजन, इन दोनों का आप यहां पे लिमिट पुट करोगे। देखिए यहां पे जो दिया गया है यह आपका वाई का ये वाला, तो इस साइड देखिए इधर आपको हो गया यक्स, यानी कि वाई लिमिट आपका रिवल, तो इधर आपको हो जाएगा यक्स का, तो इसका सेम उल्टा, यानी कि इसके ऑर्डर को चेंज कर देना, तो इधर आपको हो जाएगा वाई और इधर आपका हो जाएगा यक्स, फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे यक्स। तो आप यहाँ पे इनर इंटीग्रल में आप यहाँ पे यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, ये कहने का मतलब हुआ। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ जो डेल वाई है इसको आप लेके आओगे बाहर, अंदर क्या बचेगा यक्स डेल एक्स, यानी कि आपका जो इनर इंटीग्रल है आप वहाँ पे यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, ये कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से, यहाँ जो दिया गया है लोअर रीजन और यहाँ पे अपर रीजन, इसके लिमिट को आप यहाँ पे पुट करोगे, तो इधर आपको हो गया वाई, ये वाई और इधर आपको हो गया एक्स, यहाँ पे जो लिमिट होगा ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखिए ये चीज मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है इधर वाई, इधर आपको एक्स, इधर आपको वाई है, यहाँ पे सेम ही रहता है लिमिट में, तो इधर आपका है एक्स का और इधर आपका है वाई का, लिमिट में लिमिट बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स का लिमिट कितना है जीरो से वाई तक, तो आपने यहाँ क्या लिखा जीरो से वाई तक, ये आपका हो गया यक्स का लिमिट। फिर यहाँ देखिए वाई का लिमिट, वाई का लिमिट कितना है जीरो से वन, जीरो से वन। फिर उसी प्रकार से आप जाएंगे अपर रीजन में, अपर रीजन में यक्स का वैल्यू कितना है जीरो से अंडर रूट में टू माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो गया टू माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद वन से अंडर रूट टू तक, बस बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर लिमिट सेट हो गया। अब उसके बाद आपको आसानी से यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। आसान कैसे होगा, यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट में यक्स स्क्वायर, अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने क्या माना टी माना। इस अंडर रूट को गायब करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसके स्थान पर आप लिखेंगे टी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, किसके स्थान पर मैंने क्या मान लिया टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इधर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, इधर हमने क्या किया यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हो जाएगा टू यक्स डेल एक्स, इधर आपका टी के रिस्पेक्ट में टू टी डेल टी। तो यहाँ देखिए टू से टू यहाँ हो जाएगा कैंसिल, टू से टू यहाँ हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यक्स डेल एक्स इक्वल टू टी डेल टी। तो जहाँ यहाँ लिखा गया यक्स डेल एक्स उसके स्थान पर आप लिखेंगे टी डेल टी, यानी कि यहाँ पे यक्स डेल एक्स इसके स्थान पर लिखेंगे टी डेल टी, और नीचे आपको हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर कह रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टी, तो यहाँ पे टी से टी हो जाएगा कैंसिल, टी से टी यहाँ हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी डेल वाई यहाँ आ जाएगा बाहर, बाहर क्यों आ रहा है क्योंकि इधर वाई है इधर आपका एक्स है, तो इसका चेंज क्या होगा वाई एक्स, यानी कि वाई यहाँ बाहर आएगा एक्स अंदर आएगा, वाई बाहर एक्स अंदर। तो यहाँ भी क्या होगा एक्स डेल एक्स के स्थान पे आप लिखेंगे टेल, टेल कह रहा हूँ डी सॉरी टी डेल टी बाई टी, टी से टी यहाँ हो जाएगा कैंसिल इसके स्थान पर टी। अब यहाँ देखिए ये जो आपका है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके स्थान क्या है टी है, और एक्स डेल एक्स इसके स्थान पर टी था, तो टी से टी यहाँ हो जाएगा कैंसिल, देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे फटाफट फटाफट। कुछ लोग को यहाँ पे दिक्कत आता है, अगर आप देखिए यहाँ पे क्या बचा वाई बचा ये वाला चीज, यहाँ पे टी बचा, तो इसका आप इंटीग्रेट करोगे
आपका लिमिट कितना है, जीरो से वाई है, तो हो जाएगा टी यानी जीरो से वाई। तो आप टी के स्थान पे वाई पुट करोगे, टी के स्थान पे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे टी बचा है, इसके स्थान पे आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करोगे। तो आपने क्या किया, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो जहाँ पे एक्स है उसके स्थान पे आप यहाँ पे वाई पुट करोगे, फिर यहाँ पे माइनस लोअर रीजन, तो आपका लोअर रीजन क्या है, जीरो है। ठीक, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे पूरे इस इंटीग्रेट करो, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन को, तो आपके सामने यहाँ पे आंसर आ जाएगा वन माइनस वन बाई अंडर रूट टू, ये थी। ठीक, सब लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन लोग को इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रहा है तो वो लोग सबसे पहले पार्ट वन लेक्चर को देखोगे, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बोल दिया, अगर यहाँ पे लिमिट दिया गया है जीरो से वन, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे डेल वाई है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना हुआ तो हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री। ठीक, फिर यहाँ पे जीरो से वन तो क्या होता है, जहाँ पे आपका वाई है उसके उसके स्थान पे आप यहाँ पुट करोगे वन, फिर आप माइनस लोअर रीजन। तो सभी लोग पार्ट वन लेक्चर को जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल, यहाँ दिया गया है, और आपको यहाँ पे क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्यू का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, लिखेंगे लिमिट का जो भी यहाँ पे वैल्यू है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करने पे मैंने पाया कि यहाँ पे जो टर्म दिया गया है वो है x का, यानी कि इधर आपका हो गया वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपका जो लिमिट जो भी आपका स्ट्रिप दिया गया है वो है वर्टिकल, तो आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पता चल गया। तो इधर आपका y है तो इधर आपका हो जाएगा x, तो आप यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू एक्स बाई फोर, y इक्वल टू टू, y इक्वल टू एक्स बाई फोर, या फिर y इक्वल टू x, ये होता है लाइन का इक्वेशन, लाइन का है। उसके बाद y इक्वल टू टू, यानी कि जो भी आपने यहाँ लाइन दिया गया है वो x के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद देखिए इधर आपका था x कांस्टेंट, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू एट, ये आपका हो गया x इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस, x इक्वल टू एट यानी कि y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन है। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स बाई फोर, यानी कि यहाँ पे ये लाइन दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स बाई फोर, यहाँ पे एक लाइन गया y इक्वल टू एक्स बाई फोर, ये आपका लाइन। ठीक, तो यहाँ हो गया y इक्वल टू एक्स बाई फोर, y इक्वल टू टू यानी कि जो भी यहाँ पे लाइन है वो पैरेलल है x एक्सिस के, देखिए वो पैरेलल है x एक्सिस के, ये वाला पार्ट। ठीक, x इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू एट यानी कि जो भी यहाँ पर लाइन दिया गया है वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ क्या है, x इक्वल टू एट है यानी एट हो जाएगा, y क्या होगा, y आपका होगा टू, तो एट कामा टू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे x दिया गया था, x यानी कि यहाँ पे y लिमिट ऑफ वेरिएबल होगा, यानी कि दिया गया स्ट्रिप क्या है, वर्टिकल है, तो आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिप दिया गया है ये आपका गिवन है, तो आपको एक नया स्ट्रिप लेना होगा, ये आपको हो गया स्ट्रिप। अब देखिए सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू जीरो से टू होगा, जीरो से टू होगा। x का वैल्यू कितना होगा, देखिए x का वैल्यू जीरो से इस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे वैल्यू कितना है, y इक्वल टू एक्स बाई फोर, y इक्वल टू एक्स बाई फोर, तो x का वैल्यू कितना होगा, फोर वाई, यहाँ पे जीरो से फोर वाई आ गया। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि q का वैल्यू कितना होगा, इस q का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे ये लिमिट यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ दिया गया यस, तो यस का वैल्यू हो जाएगा टू, देखिए टू, आर का वैल्यू हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा आर का वैल्यू जीरो, यहाँ पे क्यू दिया गया है तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, फोर वाई, यहाँ पे पी है तो पी का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा,
तो यहां से आप किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए क्यू का वैल्यू यहां पे आ गया 4y। अब यहां पे अगला टॉपिक जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है। देखिए ट्रिपल इंटीग्रल मतलब कि आपको यहां पे तीन बार इंटीग्रेट करना है, 1, 2, 3। इसमें नियम क्या होता है कि आपको यहां पे अंदर से ही इंटीग्रेट करना होता है, इनर से, इनर टू आउटर। देखिए यहां पे रूल क्या होता है कि अगर यहां पे दो वेरिएबल दिया गया है तो उसको आप सबसे पहले इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद एक वेरिएबल को, उसके बाद कांस्टेंट को। जैसे कि यहां पे दिया गया है दो वेरिएबल तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद सिंगल वेरिएबल को, उसके बाद कांस्टेंट को। यही आपका होता है ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक। लेकिन मान लीजिए सारे ही वेरिएबल अगर यहां पे कांस्टेंट होते हैं, अगर यहां पे सभी वेरिएबल यहां पे लिमिट है, अगर यहां पे कांस्टेंट है तो आप किसी को भी सबसे पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक। देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया है और आप यहां पे देख सकते हो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, सभी यहां पे कांस्टेंट है, ठीक। यहां पे दिया गया है e की पावर x प्लस y प्लस z, तो मैंने क्या किया इसको यहां पे दो पार्ट में तोड़ दिया। मैं सबसे पहले करूंगा x का, y का, z का। आप भी किसी का भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यहां पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज हेयर इज कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक। तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, e की पावर x करूंगा तो हो जाएगा सेम इसका e की पावर x, लिमिट कितना है 0 से 1 तक। तो जहां पे x है देखिए उसके स्थान पे आप यहां पे पुट करोगे 1, तो e की पावर 1 माइनस लोअर रीजन, जहां पे x है आप वहां पे 0 पुट करोगे, e की पावर 0 कितना होगा। देखिए ये चीज, ये यहां देखिए, यहां पे ये चीज आ गया, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 0 होता है 1 होता है, तो e माइनस 1 देखिए ये आ गया। अब यहां क्या बचा, e की पावर y प्लस z, इसके स्थान पे आप लिख सकते हो e की पावर y इंटू e की पावर z। तो अभी मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, यहां पे सेम होगा क्योंकि यहां पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बिकॉज हियर इज e बेस। तो यहां पे लिमिट कितना है 0 से 1 है, उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा, इसका भी यहां पे e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e माइनस 1 होगा, यहां पे हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद बचेगा z, तो आपका हो जाएगा आंसर में e माइनस 1 की पावर क्यूब, होल क्यूब, यहां पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप दिया गया है, यहां पे लिमिट दिया गया है 0 से 1। देखिए यहां 0 से 1, उसके बाद 1 से 2, लिमिट 1 से 2, फिर यहां पे 2 से 3, और यहां पे तीन बार इंटीग्रेट है, यानी कि यहां पे ट्रिपल इंटीग्रल है। सबसे पहला पॉइंट आप पहचानोगे कि यहां पे दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल दिया गया कि नहीं दिया गया। तो आपने यहां पे देखा क्या कि जैसे आपने यहां पे लिमिट को रखा, यानी कि सभी यहां क्या है, कांस्टेंट है, तो आप किसी को भी सबसे पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, यहां भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां पे जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, यहां पे एक्स वाई जेड है, तो एक्स के स्थान पे आ जाएगा एक्स जेड, वाई के स्थान पे वाई जेड, जेड के स्थान पे जेड स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे ये चीज आ जाएगा। कैसे आ गई चीज, क्योंकि यहां पे लिमिट क्या है 2 से 3 है, तो जहां पे जेड है उसके स्थान पे 3 रखोगे माइनस लोअर रीजन, लोअर रीजन आपको कितना है 2 है, तो ये आपका हो गया देखिए अपर रीजन माइनस लोअर रीजन। अब आपका यहां पे जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। अब यहां देखिए फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। तो यहां देखिए यहां जो वाई है, यहां पे एक्स है तो हो जाएगा एक्स वाई, यहां पे वाई है तो वाई स्क्वायर बाई 2, 5/2 इंटू वाई, यहां 5/2 है, यहां पे वाई हो जाएगा। देखिए अब यहां देखिए यहां पे लिमिट कितना है 1 से 2 है, तो 2 क्या है, ये आपका अपर रीजन है और यहां पे लोअर, तो जहां पे वाई है उसके स्थान पे आप यहां पे 2 पुट करोगे, हो जाएगा 2x, ठीक। यहां प्लस
टू स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे यहाँ देखिए इसी प्रकार से माइनस लोअर रीजन, लोअर रीजन कितना है वन है। देखिए यह आपका हो गया वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब यहाँ बचा यक्स का, तो यक्स प्लस फोर है, करेंगे क्या होगा यक्स स्क्वायर बाई टू, फोर है फोर यक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी आप वैल्यू को पुट करोगे, जहाँ पे यक्स है आप वहाँ पे वन पुट करोगे तो हो जाएगा वन बाई टू प्लस फोर एक्स, यानी कि फोर, फोर इंटू वन फोर, माइनस लोअर रीजन जीरो माइनस जीरो, क्या बचेगा दो चौके आठ, आठ एक नौ, नौ बटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन बाई टू। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे जो मैंने बताया रूल आपको, वो रूल यहाँ पे फॉलो होगा। कौन सा रूल? कि अगर यहाँ पे दो वेरिएबल दिया गया है उसको आप सबसे पहले इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे आपका कोई भी मन मर्जी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल लागू होगा। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद इसको, उसके बाद कॉन्स्टेंट वाले को। देखिए आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे यक्स वाई है, यानी कि यहाँ पे जेड होगा, जेड लिमिट ऑफ वेरिएबल। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे यक्स है, यानी कि यहाँ हो जाएगा वाई लिमिट ऑफ वेरिएबल। तो बचा खुचा क्या, बचा खुचा बचा यहाँ पे यक्स, यक्स वाई, फिर यहाँ पे जेड। तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि जो भी आपका अंदर वाला है यहाँ पे जेड होगा, तो आप सबसे पहले इसको जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा जेड, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जेड है, सॉरी यहाँ पे डेल जेड है, क्योंकि आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे क्या है जेड लिमिट ऑफ वेरिएबल है, इसका हो जाएगा जेड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स प्लस वाई तक। जहाँ पे जेड है आप उसके स्थान पे पुट करोगे एक्स प्लस वाई, माइनस लोअर रीजन कितना है जीरो है, जेड के स्थान पर क्या जीरो, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बचेगा। देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या बचा एक्स प्लस वाई बचा। अब देखिए, अब आपको करना है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। देखिए यहाँ पे x है, हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई टू, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से x तक। देखिए ये हो गया, अब देखिए आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपका यहाँ पे क्या बचा x का बचा, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, थ्री बाई टू यहाँ बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से वन तक है, जीरो से वन। तो यहाँ पे पुट करोगे, जहाँ पे यक्स है उसके स्थान पे वन पुट करोगे, माइनस लोअर रीजन, लोअर रीजन आपका जीरो है कोई मतलब नहीं, तो थ्री बाई टू इंटू वन बाई थ्री कैंसिल, क्या बचा वन बाई टू, तो इसका आंसर हो जाएगा वन बाई टू। ठीक, तो आज आपका पूरा यूनिट फोर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उसी को करा रहा हूँ। जो लोग पूरा लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस।